वायरस के चलते पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में सावन में अभी श्रद्धालु प्रवेश नहीं कर सकेंगे और प्रतिवर्ष निकलने वाली शाही सवारी में केवल 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। श्रावण मास जो है 6 जुलाई से शुरू होकर के 3 अगस्त को ख़त्म हो रहा है। इस बार 29 दिन का ही सावन है और इस 29 दिन के सावन में 5 सोमवार आ रहे हैं। मतलब बहुत ये वो बात है कि 5 सोमवार है इसमें, सोमवार से शुरू होकर के सोमवार को ही ख़त्म हो रहा है। इस बार ऐसा है कि जो भगवान और भक्त के साथ है वो दूरियाँ थोड़ी बढ़ चुकी है। जो गर्भगृह में प्रवेश बंद है, भगवान भक्तों के द्वारा भगवान को जल वगैरह, दूध, पंचामृत वगैरह सभी चीज़ें बंद कर दी गई है अभी चढ़ाने के लिए। ये सभी जो चीज़ें हैं ये कोरोना महामारी के कारण है, इस कारण से ये सभी चीज़ें भक्तों से दूर है। अभी भक्त केवल आएंगे, आके दर्शन कर सकते हैं और वापस दर्शन करके बाहर निकल सकते हैं। ये जो पूजा अर्चना सभी है ये सभी चीज़ें अच्छे से हो रही है, पर जो भक्त और भगवान के बीच की दूरी बन गई है, हम ये चाहते हैं कि दूरी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, ये कोरोना महामारी जल्द से जल्द ख़त्म हो और भगवान और भक्त की जो दूरी है वो ख़त्म हो और वापस से भगवान का जलाभिषेक और सभी पूजा अर्चना वापस अच्छे से कर सकें। ये हमारी भगवान से प्रार्थना है कि इस सावन मास में भगवान से प्रार्थना के सावन मास ख़त्म होते होते ये महामारी का अंतिम दौर चालू हो जाए। हम बिल्कुल पूरे देश नहीं पूरे विश्व से कोरोना महामारी ख़त्म हो जाए, ऐसी हमारी भक्तों की सभी की भगवान पशुपतिनाथ से, भगवान शिव जी से ये कामना है कि ये कोरोना महामारी धीरे धीरे बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए। प्रवेश किया, दर्शन किए, यहाँ पे प्रशासन द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रही है और उसके बाद भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही दर्शन कराए जा रहे हैं ताकि किसी कोई अगर संदिग्ध व्यक्ति आ भी जाता है तो उसकी वजह से और अन्य लोग संक्रमण में ना आए और अन्य लोग कोई परेशानी में ना आए। किस तरह की यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था करी हुई है, तो सब जगह पुलिस वगैरह खड़े हुए हैं, मास्क वगैरह का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है और सबको अच्छे से दूरी बनाई जा रही है और वो भी हमसे ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप सब दूरी पे रहे और भगवान के दर्शन करें। मैं पास मंदसौर जिले के पास के गाँव खरगू से हूँ। ये बताइए कि कोरोना काल में जिस तरह से मंदिर की काफ़ी भक्त कम नज़र आ रहे हैं, क्या माहौल नज़र आ रहा है इस बार आपको कोरोना काल में? सबसे प्रथम जय बाबा पशुपतिनाथ। श्रावण के प्रथम सोमवार पर बाबा पशुपतिनाथ की नगरी से सभी सज्जनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और बाबा पशुपतिनाथ से, परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस ज़िले को, हमारे देश को इस कोरोना महामारी से जल्दी ही मुक्त करें, हमारा राष्ट्र पूरा स्वस्थ हो। बाबा पशुपतिनाथ की असीम कृपा गत वर्ष भी हमारे ऊपर रही है, हमारा ज़िला पूरी तरह से इतनी महामारी में भी, बाढ़ जैसी महामारी से सुरक्षित रहा है। निश्चित रूप से हमारा ज़िला पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। हाँ, यह अवश्य है कि कोरोना महामारी के कारण से कुछ भक्तों की संख्या कम है। हमारे देश की संस्कृति रही है कि हम सभी अपने नियमों का पालन करते रहे हैं। सुनने में ये भी आया कि काफ़ी मान्यता भी है इस मंदिर की। हाँ बिल्कुल, स्वामी प्रत्यक्षानंद जी महाराज के हाथों से प्रतिष्ठित यह मूर्ति बड़ी प्राचीन है और इसकी यह विश्व की पहली मूर्ति है जो अष्टमुखी के रूप में यहाँ विराजित हैं। नेपाल में चतुर्मुख रूप में बाबा पशुपतिनाथ विराजित हैं और अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। हमारे भारत में केवल और केवल एक ही यह विराट प्रतिमा है जो मंदसौर में
अवस्थित होकर के अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पुलिस प्रशासन की किस प्रकार की व्यवस्था नजर आ रही है आपकी? पुलिस प्रशासन की भी यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था है और सभी को उचित मार्गदर्शन भी दे रहे हैं ताकि भक्त जो है इस महामारी से बच सकें और बड़े आसानी से बाबा के दर्शन कर सकें। क्या नाम बताया था आपने? यशवंत जोशी। धन्यवाद। साथ ही एक और, मैं बाबा महाकाल की और पशुपतिनाथ की असीम कृपा हमारे जिले पर रही है। मैं शिक्षा विभाग से हूँ, हमारे जिले का प्रदेश में दूसरा नंबर रहा है शासकीय विद्यालयों का, और मैं उन सभी छात्र छात्राओं सभी शिक्षक बंधुओं को भी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं इस अवसर पर देता हूँ। पंडित राकेश भाई जी, बताइए, पहला सावन का सोमवार है और काफी दूर दूर से भक्त भी आ रहे हैं, तो क्या माहौल है इस बार? हमारे हिंदू धर्म में सावन महीना को काफ़ी पवित्र महीना माना जाता है और आज के दिन सोमवार होने से इसकी महत्वता कई गुना और ज़्यादा बढ़ जाती है। सावन और सोमवार दोनों भोलेनाथ को अति प्रिय है। आज के दिन की गई पूजा विशेष फलदायी होती है। यहाँ पर दर्शनार्थी, चूँकि पशुपतिनाथ महादेव की जो प्रतिमा है ये विश्व विख्यात है, दूर दूर कई क्षेत्रों से यहाँ दर्शनार्थी अपनी श्रद्धा से लेकर यहाँ पर आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। कोरोना काल चल रहा है, इससे प्रबंध समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। कुछ नियमावली बना रखी है प्रबंध समिति ने, उसी के द्वारा उसी का पालन करते हुए दर्शनार्थी यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुंह पर मास्क लगाकर अनिवार्य कर दिया है यहाँ आकर दर्शन कर रहे हैं। चूँकि अभी गर्भगृह में किसी श्रद्धालु का जाना मना है तो पुजारी ही अभिषेक पाठ पूजा सब कर रहा है और दर्शनार्थी केवल बाहर उनके द्वारे पहुंचकर मानसिक पूजा और मन से ही भगवान के दर्शन पूजन का लाभ लें। मंदिर की बात करें, काफ़ी मान्यता भी है मंदिर की। ये जो भगवान पशुपतिनाथ की जो प्रतिमा है ये अद्भुत, अद्वितीय, अविस्मरणीय है। अष्टमुखी की जो प्रतिमा है पशुपतिनाथ की, पूरी दुनिया में एकमात्र मंदसौर जिले में स्थापित है, जो कि अलग अलग स्वरूप है। पूर्व में भगवान का बाल्य स्वरूप है, दक्षिण दिशा में किशोर अवस्था है, पश्चिम दिशा में भगवान का युवा अवस्था है जिसे क्रोध का रस देखते हैं, और उत्तर दिशा में भगवान का वृद्ध स्वरूप है। ऐसी अष्टमुखी प्रतिमा दुनिया में और कहीं नहीं है और स्वयंभू है, नदी के अंदर से निकली हुई प्रतिमा है। तो ऐसी अद्भुत प्रतिमा के दर्शन करने यहाँ पर श्रद्धालु निरंतर आ रहे हैं।